नाजरीन आदाब, मैं मोहम्मद सुल्तान बेबाग न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम करता हूँ। पेश है आज की अहम खबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बेबाग न्यूज टीवी पे आप सभी का खैर मकदम है। पिछले कुछ महीनों से कोरोना वबा के चलते लॉकडाउन से स्कूल बंद होने की वजह से टीचर्स मजबूरन छोटे फैक्ट्रीज में लेबर की जॉब करते हुए अपने अहले खाना का पेट भर रहे हैं। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सारे कारोबार खुल गए पर आज तक स्कूल बंद हैं, जिसकी वजह से टीचर्स को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बंगलागुड़ा तहसीलदार फरीन शेख और उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 94 और 97 बैच के मेंबर्स ने लॉकडाउन में मार्च से जून तक ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। और आज फिर दोबारा फरीन शेख, विनोद गौर, श्रीकांत ईटीवी और दीगर ने 130 ज़रूरतमंद टीचर की राशन और दीगर ज़रूरियात के सामान से मदद की। फरीन शेख ने सबसे अपील की है कि टीचर्स की मदद करने आगे आए, क्योंकि उनकी मेहनत के नतीजे में आज हम सब अच्छी मुलाजमत पर रहकर इज्जत से अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सईद बाबाजीर की ये खुसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबरों के लिए बेबाक न्यूज़ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। मैं आप पूरे जो एक्स स्टूडेंट्स है या अल्यूमनाई है, जितने भी स्टूडेंट्स, आज उनके लिए एक मैसेज देना चाह रही हूँ। ये कोविड के वजह से अपना इकोनॉमी एकदम ठप हो गया और बाद में रिकवर होने के रास्ते में टीचर्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि स्कूल्स रीओपन नहीं हुए। लेकिन जो टीचर्स बजट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, वो स्कूल मैनेजमेंट्स और टीचर्स के लिए डेली मतलब लाइवलीहुड बहुत मुश्किल हो रहा है। ये मेरे नोटिस में भी आया है। और थोड़े टीचर्स, मैंने ये सुना है कि थोड़े टीचर्स फैक्ट्रीज में भी जाके काम कर रहे हैं अपने फैमिलीज को देखभाल करने के लिए। ये एकदम दर्दनाक बात है। जो टीचर्स हम सबको पढ़ाए, इतना अच्छी तालीम दिए हम सबको, और वो लोग आज ये हालत से गुज़र रहे हैं, ये सोचने के लिए भी हम सब के लिए बहुत दर्दनाक बात है। तो मैं ये गुजारिश करती हूँ पूरे अल्यूमनाई से, जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अपने स्कूल मैनेजमेंट से और अपने टीचर्स से एक बार ज़रूर बात कीजिएगा, उनके दुख दर्द में हिस्सा लेकर उनके दुख दर्द मिटाने की कोशिश कीजिएगा। टीचर्स कभी भी हमसे कुछ भी नहीं मांगते, लेकिन आपके जो हालात है, इतने दर्दनाक हालात है, तो इसके लिए हम सब इकट्ठा होकर अपने टीचर्स की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। मैं पूरे एक्स स्टूडेंट्स, जितने भी बजट स्कूल से है या अल्यूमनाई बजट स्कूल से है, उन सब से ये गुजारिश करती हूँ, आप ज़रूर अपने स्कूल मैनेजमेंट्स, स्कूल टीचर्स से एक बार बात कीजिए, उनके दुख दर्द समझिए और उनको मिटाने के लिए अपने से जितना भी हो सकता है उतना मदद कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है, विनोद गौड़ है, और हमारा ये जो ग्रुप देख रहे हैं ना, ये उस्मान यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 94 बैच एंड 97 बैच है। यहाँ पे हम लास्ट अप्रैल 2020 में एक छोटा प्रोग्राम लगाए थे, फीड द नीडी प्रोग्राम बोल के, जो ये कोविड से जो काम नहीं मिल रहा उनको, वो उनको ज़रा हेल्प करेंगे बोल के हम वो स्टार्ट करें। वो स्टार्ट करके वो जिनको भी राशन की ज़रूरत है, वो राशन हम बांटते गए। कब तक? ऑलमोस्ट सितंबर तक बांटते गए। फिर सितंबर के बाद थोड़ा हालात अच्छा हुआ, पब्लिक अपने अपने कामों को जाते। मगर इसमें क्या हुआ बोले तो, पूरा ये पूरे उसमें स्कूल ओपन नहीं हुए। अभी स्कूल ओपन नहीं होने से क्या हुआ बोले तो, वो टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल रहा। जो लो बजट स्कूल्स हैं ना, जिनका फीस 10,000 से कम है या 5,000 से कम है, उनके वो स्कूल होंगे, बहुत मुश्किल हुआ वो टीचरों को वो तनख्वाह देने में। हम क्या करें बोले तो,
लाइक माइंडेड पीपल, हमारा OUC 94 और 97 बैच क्या करे बोले तो ये तहसीलदार मैडम यहाँ बनलगड़ा तहसीलदार मैडम फेरिन उन्होंने हमारे को एक एक क्या बोले तो एक दिए एक आइडिया दिए क्या बोले तो ये स्कूलों में जो भी है ना उनको जो जो टीचर है ना उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा, सैलरी नहीं आ रहा, हुआ नहीं आ रहा। आप समझो जो टीचर अपने को पढ़ाए उन्हों इतना तकलीफ़ में है, उन्हों बाहर जाके उनका तकलीफ बोल नहीं सकते। ओके, तो हम क्या करें बोल तो हम एक ग्रुप छोटा ग्रुप करके आज के तारीख में पहला प्रोग्राम ए फीड द नीडी पार्ट टू समझो या फेज टू समझो, फीड द नीडी अभी आइंदा हम क्या कर रहे बोले तो टीचरों को ऐसे ऐसे जो टीचर जो जो तकलीफ़ में है ना वो टीचरों को आइडेंटिफाई करके उनको हमारे हमारे जितना होता हमारे से वो हेल्प करेंगे। ऐसा ये कैसा है बोले तो अभी सभी छात्रों से और हुएवर हैव आर सक्सेसफुल इन लाइफ, इट्स नॉट ओनली सक्सेसफुल इन लाइफ, हुएवर कैन हेल्प, प्लीज़ आपको ये गुजारिश है आपके स्कूलों को जाके आइडेंटिफाई करो। टीचर अपने पास नहीं आएंगे, आप समझो टीचर अपने पास नहीं आएंगे हेल्प के लिए, क्यों बोलते उन्हें उनका 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 हाथ कभी भी ऊपर ही था तो उन्होंने आएंगे अपन ही जाना। जो भी हुएवर आर सक्सेसफुल प्लीज़ मेक एन एफर्ट जाके वो तकलीफ जो भी टीचर हैं जो भी आप पढ़े वो स्कूलों में जाके उनको जो भी है आपको जितना हो सके उतना मदद करो। आई एक्चुअली रिक्वेस्ट एवरी alumni, एवरी पर्सन हु इज़ आउट देयर हु हैज स्टडीड इन अ बजट स्कूल प्लीज़ गो टू योर स्कूल्स, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड हेल्प, वेदर इट इज़ 100 rupees 200 rupees डू नॉट पुट ए नंबर ऑन इट, बट यू गो एंड हेल्प वॉट एवर वे यू कैन। सो ऑल आई कैन से थैंक यू और नमस्ते। अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेल वर्ल्ड के शोरूम में, यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल CDMA4 एंड एडिशनल एक्सेसरी दस्तियाब है। मोबाइल फोन की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेल वर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेल वर्ल्ड।